हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब स्क्रू। जॉब स्क्रू में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा पिछला टॉपिक था, जो एक नंबर हमारा वीडियो था, उसका जो हमारा टॉपिक था एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और जो अभी हमारा टॉपिक है दो नंबर दूसरे नंबर का, उसका टॉपिक है हमारा इन्वेंशन लिस्ट एंड इन्वेंटर्स। तो जैसा कि हमने अपने एनालिसिस में देखा था कि इन्वेंशन लिस्ट्स और इन्वेंटर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे को पिछले शिफ्टों में देखने को मिले थे, तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाली शिफ्टों में भी एसएससी जो है क्वेश्चंस को रिपीट करेगा और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो है शिफ्टों में पूछेगा, क्योंकि एसएससी को कभी कोई नया क्वेश्चन बनाना नहीं आता है और वो बना भी नहीं सकता है, क्योंकि सारी शिफ्टों में क्वेश्चंस उसको एक जैसे रखने होंगे, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो दोस्तों, आने वाली शिफ्टों में हमें क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड देखने को मिलेंगे, रिपीटेड नहीं मिलेंगे, लेकिन इन्वेंशंस के ऊपर जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आगे भी इन्वेंशंस के ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना तय किया था, उन टॉपिक्स को हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, वो टॉपिक्स हैं एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके ऊपर हमने वीडियो बना चुके हैं। इन्वेंशन लिस्ट एंड इन्वेंटर्स के वीडियो हम अभी देख रहे हैं, फिर उसके बाद में हम बाकी इन सब टॉपिक्स के ऊपर देखेंगे कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड यूजेज, लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल समिट्स, बुक्स एंड ऑथर अवार्ड्स, रिवर्स ऑफ इंडिया, कंप्यूटर बेसिक्स। तो हमारे साथ बने रहिए, आज शनिवार की छुट्टी है, आज हम पूरे इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे। आज हमारी कोचिंग की भी छुट्टी है, तो इस समय का फ़ायदा उठाकर हम इन सारे टॉपिक्स को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, और आशा करता हूँ कि जो हमारा पहला वीडियो है हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूर पसंद आया होगा, हमारे कोचिंग के स्टूडेंट जो हैं, और जिन लोगों ने हमें आग्रह किया था कि ये वीडियो बनाने के लिए, रजनी, शुभांशु, प्रतीक, विकास, तो उन सबको ये वीडियो पसंद आए होंगे। तो आइए देखते हैं इन्वेंशन लिस्ट एंड इन्वेंटर्स के इस टॉपिक को। तो दोस्तों, ये हमारी इस टॉपिक की पीडीएफ है, जिसके अंदर हमने सारे इन्वेंटर और इन्वेंशंस को इंक्लूड किया है। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट हमने इंक्लूड किए हुए हैं, आपको इसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे हमारे दिए हुए लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया होगा, उससे डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो रिवाइज कर सकें बिना वीडियो देखें। तो दोस्तों, इसमें इतने इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस है कि इसमें से चार पांच तो हमें पिछली शिफ्टों में देखने को ही मिल गए हैं इस पीडीएफ की लिस्ट में से। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर की जो शुरुआत है, जो इन्वेंशन है, वो विलियम शिखार्ड ने किया था 1623 में जर्मनी में। आपको ये सब चीज़ें एक बार पढ़ के ज़रूर जानी है। अगर आपको एग्ज़ाम में इनसे मिलता जुलता कुछ भी चीज़ देखने को मिलती है वहाँ, तो आप उनको लगा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एडिंग मशीन की जो खोज है वो ब्लाइसे पास्कल ने की थी 1642 में, ये फ्रांस के थे। एनिमेशन, जो एनिमेशन मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं, कार्टून वगैरह, तो उसकी शुरुआत की थी एमिली रेनॉल्ड ने, तो 1892 में, फ्रांस के साइंटिस्ट थे। एस्पिरिन, जो इम्पोर्टेंट होंगे उनके आगे हम स्टार लगा देंगे स्टूडेंट्स, तो एस्पिरिन जो है डॉक्टर फेलिक्स होफमैन ने खोजा था, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, 1899 में इसकी खोज की गई थी। एंटीसेप्टिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीसेप्टिक जो है तो डॉक्टर जोसेफ लिस्टर ने इसकी खोज की थी 1867 में, तो आप इसको भी जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा। एटम बम, जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर ने 1945 में यूएस में इसकी शुरुआत की थी। तो एटम बम जो अभी हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो डाला गया था बम, एटम बम, लिटिल बॉय और फेड बॉय के नाम से, तो उसकी जो अभी एनिवर्सरी निकली है, तो ये एटम बम आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी इससे कुछ रिलेटेड भी हमारे चल रहा है, तो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर एटम बम की खोज करने वाले। बेरोमीटर, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए काम आता है बेरोमीटर, उसकी खोज की थी इवान गैलिस्टा टोरिसेली ने 1643 में, ये इटली के थे, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। बॉल पॉइंट पेन की जो खोज की गई थी लाजलो बेरो द्वारा, तो ये भी एक है इन्वेंशन बहुत अच्छा। बाईफोकल लेंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये बाईफोकल लेंस की जो शुरुआत की गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट की खोज की थी जोसेफ एस्पडिन ने। उसके बाद में कैडमियम, फ्राइडरिच स्ट्रोमेरिन ने। क्लारिनाइट, जोनान क्रिस्टोफक डेनर ने। कैश रजिस्टर, जेम्स रिटी ने। इनको आप एक बार पढ़ जरूर लीजिए, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की उम्मीद नहीं रखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना है आप। सिनेमा की खोज की थी लुमेरी ब्रदर्स ने, लुमेरी ब्रदर्स जो हैं उन्होंने सिनेमा की खोज की थी। डेंटल प्लेट, एंथोनी ए प्लांस्टन ने डेंटल प्लेट की खोज की थी। डीजल इंजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीजल इंजन,
तो ये रोडोल्फ डीजल, इनके नाम में भी डीजल है, तो इन्होंने इसकी खोज की थी डीजल इंजन की। तो ये आइए आगे चलते हैं हम यहाँ पर। हम उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आ रहा है डायनामाइट, ये पिछली शिफ्टों में पूछा जा चुका है कि डायनामाइट के आविष्कारकर्ता कौन थे। डायनामाइट खोजा था एल्फर्ड बी नोबल ने, ये हमें 5 या 6 अगस्त 2017 सीजीएल की शिफ्ट में देखने को मिला था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो रिपीट होने के चांस बहुत कम है, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमको ज़रूर पढ़ने होंगे ताकि आने वाली शिफ्टों में भी हम उनको कर सकें। तो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की जो शुरुआत की थी वो IBM ने की थी, जो है IBM जो कंपनी है कंप्यूटर की। इलेक्ट्रिक स्टोव कुकर विलियम एस हैडवे। इलेक्ट्रिक बैटरी वोल्टा ने शुरुआत की थी, इलेक्ट्रिक बैटरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर माइकल फैराडे, तो माइकल फैराडे जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक जनरेटर की खोज की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक लैम्प की थॉमस अल्वा एडिशन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सबको आता ही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट विलियम स्टर्जन ने की थी खोज इसकी। एलिवेटर एलिसा जी ओटिस, ओटिस कंपनी के एलिवेटर अभी भी चलते हैं, तो दोस्तों आपने देखा ही होगा जिस आदमी ने इस एलिवेटर की खोज करी थी उसी के नाम पे पूरी एलिवेटर की एक कंपनी चलती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंटेन पेन लुइस एडिसन वाटरमैन, तो फाउंटेन पेन में लिक्विड भरा जाता है तो वाटरमैन नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। ग्रामोफोन थॉमस एडिसन ने शुरुआत किया था। जायरो कंपास एल्मर एस फेरी, तो जायरो कंपास जो आज को हमारे कल मोबाइल वगैरह में देखने को मिलता है, जायरो सेंसर वगैरह, तो उसकी खोज हमारे जो है एल्मर ए स्पेरी ने की थी। हॉट एयर बैलून जो है जोसेफ एंड इटेनी मोंट कोल्फियर ने किया था इसका शुरुआत। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आइगर सिकोर्स्काई से आप याद रख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर स्काई में उड़ता है, तो स्काई से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ पढ़ने के बाद में याद नहीं रख पाएंगे, तो जो मेन इंपॉर्टेंट है कम से कम उनको याद करके जाइए ताकि बेसिक आप वहाँ पर जीके में सोल्व कर सकें। इगोर स्कोरस्काई हेलीकॉप्टर। जेट इंजन की जो है शुरुआत वो की थी हैंस वोन ओहैन ने। लाइट बल्ब जो है हेनरिक गोबेल, तो एक थॉमस अल्वा एडिशन ने जो है वो बल्ब की शुरुआत करती, लाइट बल्ब की शुरुआत जो है हेनरिक गोबेल ने की थी। लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शुरुआत किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसा कि आप देख सकते हैं एक अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बायफोकल लेंस का भी शुरुआत किया था। तो अब थोड़ा ऊपर चलते हैं हम। उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन को पेर्सी स्पेंसर ने खोजा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोवेव ओवन को पेर्सी स्पेंसर ने खोजा था। मशीन गन को रिचार्ड गेफिंग ने इनको 1861 में US में मशीन गन बनाई थी। मोटर स्कूटर ग्रेविल बैडशाह। माइक्रोस्कोप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपको ज़रूर याद रखना होगा। माइक्रोस्कोप जो है जैकरिस जानसेन ने खोजा था, तो ये नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है जानसेन, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। पेसमेकर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछली शिफ्टों में, डॉक्टर पोल जोल ने ये इन्वेंशन किया था पेसमेकर का, हार्ट पेसमेकर का। तो आइए आगे चलते हैं। पॉकेट वॉच को जो है पीटर हैंडलर ने खोजा था। पेंडुलम क्लॉक को जो है क्रिश्चियन हुइजिनिस ने खोजा था। पियानो की खोज की थी वो बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी, ये इटली के हैं, वेलेंटिनो रोसी वगैरह ये सब इटली के हैं, तो इनके नाम क्या है क्रिस्टोफोरी वेलेंटिनो रोसी ये सब लगता है। पैराशूट जीन पेरी ब्लैंचार्ड, तो ये जो हैं पैराशूट की खोज करने वाले हैं, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ के जाइएगा ज़रूर इनको, जो इम्पोर्टेंट है उनके आगे हम स्टार मार्क लगा देंगे। रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, कोल्ट रिवॉल्वर इन्होंने बनाई थी। इसको बारे में अगर आपने स्लम डॉग मिलियनेयर देखी होगी तो आपको वहाँ से भी काफ़ी कुछ पता चल गया होगा कि कोल्ट रिवॉल्वर जो पहली रिवॉल्वर्स थी उनमें से रिवॉल्वर जो है सैमुअल कोल्ट ने बनाई थी। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर, ये जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला है। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की जो है वो खोज की थी, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्टीम इंजन की थॉमस सेवरी ने शुरुआत की थी। स्टीम बोट की जॉन फिश ने की थी। सैक्सोफोन एडोल्फ सैक्स, तो यहाँ से आप सैक्स से सैक्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टीम पावर्ड एयरशिप हेनरी गिफार्ड। सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेस ओटो विचरेल, ये 1961 में चेकोस्लोवाकिया ने खोज की थी। स्टेथोस्कोप ये रेनी
लिनक्स, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है स्टेथोस्कोप, इसको भी आप याद रखिए। सबमरीन की जो खोज है वो डेविड बंशेल ने की थी, अगला जो हमारा पॉइंट है सबमरीन डेविड बन बुशनेल, तो ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंथेसाइजर डॉक्टर रॉबर्ट ऑथर मूव, सिंथेसाइजर की खोज की थी। टेलीग्राफ, तो ये जो है सैमुअल मोर्स, इन्होंने टेलीग्राफ की खोज की थी। बहुत से मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा और बहुत से साइंटिफिक चीज़ें हमें मोर्स कोड के बारे में भी देखने को मिलता है, मोर्स कोड। तो मोर्स कोड टेलीग्राफ खोजने के दौरान ही मोर्स कोड को खोजा गया था सैमुअल मोर्स द्वारा। उसके बाद में टेलीफोन, स्कॉट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन की खोज के कर्ता को तो आप जानते ही होंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो मोर्स कोड वाला और टेलीफोन वाला दोनों को याद रखना होगा। टाइम रिकॉर्डर हॉर्ली बुंडी, टाइपराइटर पीटर मीटर होफर, तो ये भी आपको याद रखना होगा, टाइपराइटर पीटर मीटर होफर। वैक्सीनेशन डॉक्टर एडवर्ड जेनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की टीका की खोज की थी, उन्होंने ही वैक्सीनेशन की खोज की थी। फिर वैक्यूम क्लीनर के बारे में भी हमसे एसएससी सीजीएल में जो है 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइवस मैकेगफी, इन्होंने वैक्यूम क्लीनर की खोज की थी। एक्सरे से भी हमें क्वेश्चन मिला है। विलियम कोनार्ड टोनिंगटन, तो ये क्वेश्चन भी हमारे एसएससी सीजीएल में आ चुका है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खोज जिनके बारे में आपको याद रखना होगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, रजनीश भाई को पूरा से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या उनको याद करना है। तो दोस्तों हमने अपने टॉपिक्स के अंदर से दो टॉपिक जो हैं कवर कर लिए हैं। इनके अंदर हमने एसआई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और इन्वेंशन लिस्ट एंड इन्वेंटर्स, आने वाला जो टॉपिक हमारा लिस्ट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड यूसेज, इससे भी हमारे को काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं पिछले शिफ्टों में, तो आगे आने वाली शिफ्टों में भी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए ये पूरे टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं, आज की छुट्टी का पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं हम। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो हम यही चाहते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रैंक अच्छी आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।